तो आपने भी SSC CGL का फॉर्म फिल किया हुआ है और आप भी एडमिट कार्ड के नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हैं, मतलब एडमिट कार्ड का नोटिफिकेशन कब तक देखने को मिल सकता है, तो आज की इस वीडियो के थ्रू इसी टॉपिक के ऊपर मैं जो है बात करने वाला हूँ। क्योंकि यहाँ पे आपको होता है कई सारे स्टूडेंट्स जो प्रिपरेशन करते हैं ना, उनको एक आइडिया लग जाता है तो वो अपनी प्रिपरेशन को और भी कंटिन्यू कर सकते हैं और उससे उनको एक आइडिया लग जाता है कि हाँ भाई इस दिन से एग्ज़ाम हो सकता है। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, मैं आपको एक एक्सपेक्टेड टाइमलाइन बताने वाला हूँ कब तक आपको एडमिट कार्ड की जो नोटिफिकेशन डेट है वो देखने को मिल सकता है। यहाँ पे मैं पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि फ्यूचर में जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको हमारे वीडियो अपलोड करते ही मिल जाए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सोशल साइट्स के लिंक जो है प्रोवाइड करवाए गए हैं, उनको जरूर से फॉलो कर लीजिएगा। सो जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि जो है CGL का एग्जाम जो है होने वाला है यहाँ पे दिसंबर के मंथ में, ठीक है। तो अभी नवंबर चल रहा है, आपको पता है आज जैसा कि जो है 12 नवंबर आसपास हो गया है, ठीक है। और जो भी कैंडिडेट CGL एग्ज़ाम का वेट कर रहे हैं उनको मैं बताने वाला हूँ कि जो एडमिट कार्ड का नोटिफिकेशन वो कब तक आ सकता है। देखिए एडमिट कार्ड डायरेक्ट नहीं आता है, पहले आपको एक नोटिफिकेशन देखने को मिलता है जिसमें आपको फॉर्म स्टेटस वगैरह देखने को मिलता है, ठीक है। और जो एडमिट कार्ड होता है वो एग्ज़ाम के 4 दिन पहले जो है देखने को मिलता है, जो भी वेन्यू की डेट होती है उसके 4 दिन पहले आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। लेकिन भाई जो यहाँ पर अगर हम बात करें CGL की, तो आपको पता है दिसंबर के मंथ में एग्ज़ाम है, ठीक है। और दिसंबर के मंथ में इन्होंने ऑल ओवर दिसंबर दिया हुआ है, इन्होंने एक एग्जैक्ट टाइमलाइन नहीं दी है, ठीक है, कि हाँ इतने तारीख को एग्जाम होगा। तो ऐसे में जो भी स्टूडेंट होंगे, कई सारे स्टूडेंट कंफ्यूज में भी होंगे कि जो है एग्जाम कब तक हो सकता है, नोटिफिकेशन कब तक आ सकती है। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे जो एग्ज़ाम की आपको नोटिफिकेशन है वो लगभग यहाँ पे 2 दिसंबर के बाद और 7 दिसंबर के पहले इसका स्टेटस आप जो है मिल सकता है आपको देखने को, ठीक है। ठीक है, फिलहाल कोई ऑफिशियल ये तो नहीं है कि हाँ मतलब SSC की तरफ से कि आया हो कि दिसंबर, ठीक है, ये चीज़ तो क्लियर है कि हाँ भाई दिसंबर में एग्ज़ाम होना है, ठीक है। तो स्टार्टिंग का जो दिसंबर होगा, ठीक है, स्टार्टिंग का जो यहाँ पे वीक होगा, ठीक है, वो एडमिट कार्ड के स्टेटस पर चला जाएगा। मतलब यहाँ पे जो जितने भी कैंडिडेट का जो एग्ज़ाम होना है, ठीक है, दिसंबर के मंथ में चाहे जब भी कंडक्ट हो, ऑल ओवर दिसंबर के मंथ में ही कंडक्ट होना है। तो स्टार्टिंग नवंबर, यहाँ पे स्टार्टिंग जो दिसंबर होगा आपका, ठीक है, फर्स्ट वीक होगा, इसी में जो है यहाँ पे आपका इन्फॉर्मेशन एडमिट कार्ड से रिलेटेड जो नोटिफिकेशन है वो देखने को मिल सकती है, ठीक है। अब उसमें डेट, सिटी वगैरह हो सकता है, शिफ्ट वगैरह हो सकता है, प्लेस कहाँ होगा कहाँ नहीं होगा वो सारी इन्फॉर्मेशन होगी, और एग्ज़ाम कौन सी डेट में है वो भी हो सकता है कि हो उसमें, ठीक है। तो यहाँ पे इतनी चीज़ें आपको देखने को मिल सकती है जो कि आपको यहाँ पे दिसंबर के फर्स्ट वीक में देखने को मिल सकती है, अगर टेक्निकल प्रॉब्लम ना हुई तो, ठीक है। टेक्निकल कोई प्रॉब्लम होती है, जैसे आपको पता है कि CHSL के भी कुछ सिटीज़ में जो है यहाँ पे जो है फॉर्म को भरवाने चाहिए था लेकिन नहीं हुआ कुछ टेक्निकल रीज़न के कारण, अब जो दिसंबर से ऑनलाइन किया जाएगा 5 दिसंबर के आसपास से। तो ऐसे ही अगर यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होती है, तो जैसे बताया यहाँ पे दिसंबर में गया है, तो दिसंबर के अकॉर्डिंग आपको जो है यहाँ पे नोटिफिकेशन बहुत जल्द मिल जाएगा, ठीक है। फर्स्ट वीक तक का आपको वेट करना है, उसके बाद आपको वहाँ पे इन्फॉर्मेशन जरूर से मिल सकती है। और कई सारे कैंडिडेट जरूर से वेट कर रहे होंगे, तो आप कमेंट में बताइएगा आप जरूर से वेट कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। होपली आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सो थैंक यू सो मच।